हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एल्प्स गुडनेस का ये रोज़ पेटल पाउडर। इस तरह की ये पैकेजिंग में आता है। ये सबसे पहले देखिए, हम इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। ये क्लेम करता है कि कंटेन्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़। फ्रेंड्स, ये बालों में भी यूज़ कर सकते हैं और स्किन पर फेस पैक के फॉर्म में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका की इंग्रेडिएंट जो है वो रोज़ एक्सट्रैक्ट ही है। ओनली रोज़ की पत्तियों से इसको ही बनाया गया है। सेकंड चीज़ जो ये क्लेम करता है, एरोमेटिक एंड स्मूथनिंग, प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन एंड एक्ट्स एज अ एमोलिएंट टू लीव योर हेयर स्मूथ सिल्की एंड स्ट्रॉन्ग। हेयर को स्मूथ सिल्की और स्ट्रॉन्ग करता है। 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल है ये, और क्रिएटेड फॉर लो ऑल हेयर टाइप्स एंड हाईली रिकमेंडेड फॉर हेयर एंड इरीटेटेड स्कैल्प्स। अगर आपके बालों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, इचीनेस वगैरह है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है ये। आइए देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। इस तरह की एक जिपलॉक पाउच में आता है। 50 ग्राम्स इसकी क्वान्टिटी है और उसके अंदर ये एक पॉली पैक है। मैं इसका यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने इसको खोला हुआ है। 90 रुपीज़ इसकी MRP है फ्रेंड्स, लेकिन purple.com से ही जब आप इसको परचेज़ कर सकते हो। ये एक्सक्लूसिव ब्रांड है और 90 रुपीज़ MRP पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट इस पर आपको मिल सकता है अगर आप सेल प्राइस पर ख़रीदोगे तो। मैंने थोड़ी सी क्वान्टिटी में पाउडर को निकाला है। फ्रेंड्स, इसकी खुशबू आपको रोज़ की जैसी नहीं मिलेगी। यह है रोज़ पाउडर, बट इसकी जो खुशबू है वो रोज़ वाली नहीं है। ये रोज़ की पत्तियों को सुखा कर बनाया गया पाउडर है और बिल्कुल इसके अंदर कोई और चीज़ मिक्स नहीं की गई है। ये बिल्कुल एकदम सिर्फ पत्तियों का ही पाउडर है। तो आपको इसको जब यूज़ करोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल गुलकंद जैसी खुशबू आती है इसके अंदर। रोज़ वाली खुशबू नहीं मिलेगी आपको, गुलकंद की तरह खुशबू है इसकी। मैं इसको रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके पैक बना रही हूँ। अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो रोज़ वाटर मिलाइए, अदरवाइज़ आप सिंपल पानी में भी इसको बना सकते हो। और इसी तरह पेस्ट बनाकर आप बालों में भी अप्लाई कर सकते हो अपने स्कैल्प्स पर। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है ये। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मेंशन किया गया है कि ये बिल्कुल हर्बल और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, तो कुछ लोगों को इससे इचिंग या इरिटेशन हो सकती है, तो सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं। फिर भी मैं रेकमेंड करूंगी सबके लिए कि एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लें फेस पर अप्लाई करने से पहले, क्योंकि थोड़ी सी सेंसेशन इसको अप्लाई करने के बाद फेस पर होती है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो मुझे भी, मेरी ऑयली स्किन है लेकिन सेंसेशन मुझे भी फील हुई थी। ये देखिए, इस तरह से आपको अपने फेस पर इसको अप्लाई करना है, नॉर्मल जैसे हम बाकी फेस पैक अप्लाई करते हैं फेस पर, उसी तरह से इसको अप्लाई करना है। और लगाने के बाद 20 मिनट तक इसको छोड़ देना है। एक पिंक सा कलर है इसका। 20 मिनट तक मैं इसको छोड़ूंगी, उसके बाद इसको वॉश करेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट हो गए हैं, मैं वॉश करके दिखा रही हूँ आपको कि क्या इम्प्रूवमेंट दिखती है। एक कॉटन से भी आप इसको वॉश कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही निकल जाएगा, ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिंपल पानी से वॉश किया है तो बिल्कुल क्लियर हो गया है ये। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऑयल वगैरह कुछ रिमूव कर देगा, लेकिन ये कि चेहरे पर एक पिंक सा ग्लो ज़रूर आता है इससे, कि मैंने इसको क्लीन कर दिया है और हल्का सा पिंक टिंट मुझे दिखाई दिया कमरे की लाइट में। CFL की लाइट में इतना पिंक ग्लो इस पर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको बाहर देखते हैं तो थोड़ा सा पिंक टिंट इसमें नज़र आता है। अदरवाइज़ देखिए, दोनों हाथों में कोई, जहाँ मैंने पैक लगाया था उसमें और दूसरे हाथ में, ऐसा कुछ इस लाइट में नहीं इतना पता चल रहा। हाँ, फील करने में सॉफ्ट सा है लेकिन इतना ज़्यादा ग्लो नहीं आता इससे। फ्रेंड्स, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। एज अ फेस पैक ये काफ़ी हाइड्रेशन देता है और कूलिंग भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं रोज़ पेटल्स के अंदर,
तो समर के लिए काफ़ी अच्छा फेस पैक है ये। इरिटेशन ज़रूर हुई थी लेकिन कोई रेडनेस या दाने जैसी ऐसी कोई प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं की और बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है स्किन पर। तो काफ़ी फेस पैक के फॉर्म में काफ़ी अच्छा है ये, समर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स यही था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, आप ज़रूर ट्राई कीजिए purple.com से अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो। आप इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी या सैंडलवुड पाउडर भी मिलाकर फेस पैक बनाकर यूज़ कर सकते हैं, ऐसे काफ़ी अच्छा है ये, तो ट्राई करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। यही था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन गुड वाइब्स के रोज़ पेटल पाउडर के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।